नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के दौरान ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का शुक्रवार देर रात आगरा के अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने बसपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि उनका आगरा के रेनबो अस्पताल में इलाज चल रहा था। बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत महगूरपुर गांव में सुबह भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक पहिया बदल रहा था। इस दौरान पीछे से आ रही एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 3:30 बजे एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस, जिसका पहिया खराब था, ड्राइवर पंचर पहिया बदलने के लिए सड़क किनारे गाड़ी खड़ा था, पीछे से आकर एक टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 14 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 2 को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है और 8 का इलाज जारी है। बस में कुल लगभग 60 सवारियां थीं। सभी लोगों को सुरक्षित एक ढाबे पर रखा गया है, जहां उनको जलपान दिया गया और उनको नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। एटा में 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ कनाडा गए अपने बेटे के शव को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एक मजबूर पिता अधिकारियों के चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर है, ताकि वह अपने बेटे के शव को अपने यहाँ लाकर उसके अंतिम दर्शन कर सके। करीब 8 दिन से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे मजबूर पिता को अभी तक अधिकारियों से ठीक से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जबकि मजबूर पिता सुभाष चंद्र पांडे का कहना है कि अगर अधिकारी उनकी बात सुन लेते तो उनके बेटे का शव जल्द ही उनके पास आ जाएगा। वहीं जिले के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सुभाष पांडे के प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति कर देश मंत्रालय भेज दिया है और जल्द ही उनके बेटे का शव हिंदुस्तान पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अब चक्कर ही लगा रहे हैं और क्या है, मतलब जो कुछ नहीं सुनवाई हो रही है कहीं से भी। आखिर क्या हुआ, आप क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं डेड बॉडी मंगाने के लिए। आपके बेटे की कहां पे मृत्यु हुई है? विक्टोरिया हॉस्पिटल कनाडा, लंदन कनाडा, सिटी है लंदन कनाडा की। वहाँ ये कब मृत्यु हुई आपके बेटे की? 23 तारीख। ये मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई कारण सामने आया? कारण तो सामने नहीं आया अभी। क्या आपके बेटे की शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई थी, एक बच्चा है। जहां पर 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ कनाडा में बसे अपने बेटे के शव को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एक मजबूर पिता अधिकारियों के चौखट पर लगातार जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वहीं सीतापुर में दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया, जहां एक दारोगा बिना नोटिस के रात 12 बजे दलित परिवार के घर के अंदर घुस गया। दलित परिवार का आरोप है कि दारोगा बिना किसी शिकायत के घर के अंदर घुस गया। इतना ही नहीं, दलित परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की है। साथ ही दलित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि दारोगा बिना वारंट के घर के मुखिया को पकड़ने आए थे। आपको बता दें कि दारोगा मनोज सिंह थाना पिसावा की चौकी कुतुबनगर प्रभारी है। सीतापुर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक दारोगा पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दारोगा की दबंगई का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक दारोगा बिना नोटिस के रात 12 बजे एक परिवार के घर के अंदर घुस गया। परिवार का आरोप है कि दारोगा बिना किसी शिकायत के घर के अंदर घुस गया है। इतना ही नहीं, परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। साथ ही परिवार ने आरोप ये भी लगाया है कि दारोगा बिना वारंट के घर के मुखिया को पकड़ने के लिए आया था। आप बता दें कि दारोगा मनोज सिंह थाना पिसावा के चौकी कुतुबनगर के प्रभारी हैं। तो सीतापुर का एक पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल हो रखा है। आपको बता दें कि वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
सीतापुर की तस्वीरें हैं। सीतापुर में दारोगा की दबंगई का एक पूरा मामला है, जहां एक दारोगा बिना नोटिस के ही 12 बजे के करीब एक परिवार के घर के अंदर घुसा है। उसके बाद कई शिकायतें भी घर के अंदर घुसने के बाद की गई हैं और महिलाओं के साथ भी अभद्रता का आरोप यहां परिवार लगा रहा है। फतेहपुर के गंगपुर में नर्स और चिकित्सा अधिकारी पर प्रसव के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली प्रसव के लिए गए थे, जहां स्वास्थ्य केंद्र की नर्स ने पैसे मांगे। पैसे न देने पर नर्स और चिकित्सा अधिकारी ने जबरदस्ती बिना समय के ही डिलीवरी करवा दी, जिससे नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीड़िता को मरने की अवस्था में छोड़ दिया। महिला की हालत देखते हुए पीड़िता को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि प्रसव महिला की काफी परेशानी हुई, जिसकी वजह से उसका बच पाना मुश्किल है। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक महिला के परिजनों ने नर्स और चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक लेटर भी यहां दिया है। तो फतेहपुर के गंगपुर में नर्स और चिकित्सा अधिकारी पर प्रसव के लिए पैसे मांगने का आरोप है। महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली प्रसव के लिए गए थे, जहां स्वास्थ्य केंद्र की नर्स ने पैसे मांगे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी बबलू सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बबलू, क्या कुछ पूरा मामला है, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, फतेहपुर के अंगोली स्वास्थ्य केंद्र के नर्स प्रभारी चिकित्सक के द्वारा महिला के साथ लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जहां पे फतेहपुर जनपद के गंगपुर गांव निवासी आरती पत्नी बहादुर सिंह ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि उनके साथ जांच की गई और उनके माध्यम कहना था कि जब रिफर कर दिया गया था तो रिफर पर्चा क्यों नहीं बनाया गया, ये मामला सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले में जो शिकायती पत्र दिया गया है, इसको लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस अधीक्षक ने कहा है जांच के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से अस्पताल में नर्स और चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। इसलिए आया थी कि मेरी औरत के डिलीवरी के सुबह 9 तारीख को सीएससी अस्पताल अमौली में मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के खीरिया निवासी मनोज सिंह एक दिन पहले शाम से लापता हो गए थे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार को देर शाम गांव के चौराहे के पास मनोज का शव पर मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिर में गोली लगी थी, चेहरा भी कुचला हुआ था। युवक की पत्नी ने बताया कि मनोज में भजीरा के मंगल सिंह ने 1 लाख रुपये उधार लिया था। कुछ समय बाद उधार रुपये का तगादा करने मंगल सिंह के रिश्तेदार आए थे। उन्होंने 1 लाख के एवज में 11 लाख रुपए देने को कहा, ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। मृतक की पत्नी ने मंगल सिंह के रिश्तेदारों पर अपहरण कर मामला दर्ज कराया है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। पूजा देवी नाम की महिला ने आज सुबह एप्लीकेशन दी थी, जिसमें अपने पति को 4 लोगों द्वारा किडनैप करने की सूचना दी गई थी। इस मामले में अभियुक्त निगत किया गया था और उसके बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे, तभी एक सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत में एक शव मिला है। मौके पर शिनाख्त की गई, जिसकी शिनाख्त पूजा देवी के पति मनोज जैसा के रूप में हुई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त परिवर्तन किया जा रहा है धाराओं का, और साथ ही 4 टीम गठित की गई है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या लग रहा है, ये हत्या है या क्या? प्रथम दृष्टया तो हत्या ही प्रतीत हो रही है। मुरादाबाद में शिक्षक पति को पत्नी ने कार में एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिसके बाद शिक्षक की पत्नी और उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, साथ ही वीडियो के वायरल होते ही ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मच गया। सिद्धार्थनगर के कनर घाट में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पेड़ से रस्सी बांधकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।
पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला के पास चोरी के इरादे से घूम रहे एक युवक को पुलिस ने दबोच लिया। अब कब्जे से एक अवैध रूप से रखा गया चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान शुभम के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड लैंसटाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्ति पाने एक बाबू प्रमेंद्र सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला आजकल काफी चर्चा में है। वर्तमान निदेशक अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन पूर्व निदेशक अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यालय में हुआ यह गबन कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाया जाना और आरोपी को गबन की राशि ठेकेदार को वापस करने का मौका देना साफ इशारा करता है कि प्रमेंद्र द्वारा किए गए इस गबन में विभागीय उच्चाधिकारियों और अकाउंटेंट की भूमिका रही होगी, क्योंकि ठेकेदारों के जिस 10% धनराशि को प्रमेंद्र अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर रहा था। बाड़कूड अंतर्गत NH 123 पर वाहन यमुना नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है, साथ ही 2 लोग लापता हैं। लापता लोगों की पुलिस और SDRF रेस्क्यू कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।